हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति आज के सेशन में हम लोग करेंगे लॉजिकल पज़ल ऐसी पज़ल जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और यही ऐसी पज़ल्स होती हैं जो शायद करने लायक होती है और हम लोग स्किप कर देते हैं तो बेसिकली आज की जो पज़ल रहेगी वो रहेगी रोल रोल नंबर बेस्ड पज़ल एंड जो कॉन्टेंट होगा आपको दोनों लैंग्वेजेज में मिलेगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एंड ये आपके दोनों एग्जामिनेशन आर आर बी एज वेल well एज आई बी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ जिनको भी वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लॉग नहीं हो रहा है या फिर कुछ ओपन नहीं हो रहा है उसका जो हेल्पलाइन नंबर है या मैं कहूँ जो मेल आईडी है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी और एक टेलीग्राम नंबर भी होगा जिसपे आप कांटेक्ट करके अपनी इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कमेंट सेक्शन में विजिट कर लेना पिंड कमेंट में आपको हेल्पलाइन मिल जाएगा टेलीग्राम नंबर भी और ईमेल आईडी भी तो आप अपने वहाँ पे जो भी इश्यूज हैं उसको बता देना वहाँ पे तो रिजॉल्व हो जाएंगे ओके तो ये पजल आपके सामने है आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए आज मैं बोलूंगी कि आप खुद से सॉल्व कीजिए और डेफिनेटली आपसे ये पजल सॉल्व होनी चाहिए बिकॉज ये उतनी टफ है नहीं जितनी आपको दिखने में लग रही होगी ठीक है तो इसका कंटेंट आपको हिंदी में भी मिलेगा ये आपके सामने हिंदी में है और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आप खुद से बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यह पजल कैसी लगी और आपने इसको बनाया है या फिर नहीं बनाया यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसने क्वेश्चन में क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एक मिस्टर डैन ब्राउन है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है और कुछ ऐसे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो हमें उनके रोल नंबर के बारे में बताएंगे विच इज एन एट डिजिट नंबर कैसा नंबर है एक एट डिजिट नंबर है उनका रोल नंबर और हमें उनका रोल नंबर पता लगाना है कि उनका रोल नंबर आखिरकार है क्या आगे हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं पॉइंट्स हम लोग पता लगा लेंगे द रोल नंबर विद जीरो जीरो से शुरू नहीं हो रहा जीरो इवन डिजिट भी काउंट नहीं होगी किसी भी पे और जीरो जो है रोल नंबर में एक से ज्यादा बार नहीं आ सकते ठीक है अब उन्होंने बोला कि ये जो रोल नंबर है हमारे पास एट डिजिट्स का है और डेफिनेटली ये जो इंफॉर्मेशन दी होगी हर एक डिजिट के बारे में दी होगी तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे एट डिजिट्स बना लो यहां पे आप एट डिजिट्स बना लोगे जिसमें आप अपना रोल नंबर लिख सकते हो ठीक है इसको हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए हमें क्योंकि हमारे पास यहां पे केसेस भी बन सकते हैं ठीक है तो आप लोग भी क्या करोगे एट डिजिट्स बनाओगे और इसके आगे यहां पे क्या करोगे टैबुलर फॉर्मेट में इसको बना लोगे तो जितनी देर इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ उतनी देर आप आगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो ओके तो ये बन गया है अब देखो पहले क्या बोला गया है टू डिजिट नंबर जो कि थर्ड और फोर्थ डिजिट से बना है वो क्या है स्क्वायर नंबर है किसका फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का मतलब थर्ड और फोर्थ डिजिट से जो टू डिजिट नंबर बनेगा वो फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का क्या है एक स्क्वायर है क्या है एक स्क्वायर है यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं तो एक बार हम लोग इसको लीव करते हैं हम लोग वो केस उठाएंगे जहां से हमारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो सकती हैं ठीक है एट एंड वन एट एंड फर्स्ट डिजिट्स आर इवन नंबर्स ये वाली जो है ये भी इवन है और ये वाली जो है ये भी इवन है ठीक है और यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता बिकॉज जीरो इवन नहीं है नंबर फॉर्म्ड बाय सेवेंथ एंड एट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यहाँ से हमें सर्टेनिटी मिल सकती है बिकॉज़ हमें नेचुरल नंबर्स पता है देखो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं यही होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आएंगे अब उसने बोला है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट मतलब क्या होती है मल्टीप्लीकेशन होती है हम लोग जो इन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे वो हमारा सेवेंथ और एट एट डिजिट पे क्या आएगा वहाँ पे प्लेस आउट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंजेकेटिव मतलब जो एक साथ एक दूसरे के साथ में आते हैं वन और टू का क्या हो जाएगा जीरो टू टू और थ्री का जीरो सिक्स थ्री और फोर का जीरो सॉरी ट्वेल्व फोर और फाइव का ट्वेंटी फाइव और सिक्स का थर्टी सिक्स और सेवन का फोर्टी टू ये कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स और ये कितना हो जाएगा नाइन्टी अब मैंने आगे क्यों नहीं लिया बिकॉज़ ये हमारे पास क्या हो जाता टेन हो जाता नहीं नहीं ये क्या होगा सेवेंटी टू होगा और ये क्या होगा नाइन्टी होगा अब आगे मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज हम लोग इलेवन लिखते तो ये हंड्रेड एंड टेन बन जाता और हमें क्या चाहिए एक टू डिजिट नंबर चाहिए हमें क्या चाहिए टू डिजिट नंबर यहाँ पे चाहिए तो हमारे पास इतने ही केसेस बनते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं टू डिजिट नंबर जो हमारा है वो निकाल सकते हैं तो ये जो टू डिजिट आएंगे हमारे पास सेवेंथ और एट्थ डिजिट पे आएंगे देखना कैसे ये हो जाएगा सेवेंटी टू ये हो जाएगा नाइन्टी इधर उसने बोला है कि जो एट्थ डिजिट है वो इवन नंबर होनी चाहिए ये हमारे पास सेवंथ डिजिट होगी ये एट्थ होगी ये सेवंथ होगी ये एट्थ होगी ठीक है एट्थ इवन होनी चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के सभी इवन है मतलब ये पॉसिबल केसेस हमारे पास बन सकते हैं हम लोग इसको कैसे लिखेंगे जीरो टू जीरो सिक्स सारे के सारे नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जितने भी हमारे पास केसेस बनेंगे फिर उससे हम लोग अपनी पॉसिबिलिटीज यहां पे क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे यहां पे हमारे पास स्पेस कम बच गई तो इसको मैं लो, मैं लो इसको क्या कर देती हूं इरेज कर देती हूं ठीक है नेक्स्ट पेज पे इसलिए नहीं जा रही बिकॉज क्वेश्चन भी यहीं लिखा रहेगा सोल्यूशन भी यहीं हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इज दैट ओके तो यहां पे और कौन सा था हमारे पास नाइन टेन जार नाइनटी यहां तक हमारे पॉसिबल केसेस बन गए हैं ओके okay? 7th, 8th का हमने देख लिया अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या सेवेंथ और डिजिट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन दी गई है हमें हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो टू डिजिट नंबर फोर्थ और सेवेंथ से बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन अभी हमें फोर्थ डिजिट नहीं पता तो हम लोग इसका भी पता नहीं लगा सकते सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो सेवन और एट डिजिट से बना है मतलब ये जीरो टू जीरो सिक्स एट ये क्या होगा उसने बोला है सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो सेथ और एट डिजिट से बना है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 7th और सेकेंड से यहां से बनेगा उसका अगलो अगर हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे तो वो किसका प्रोडक्ट होगा टू नेचुरल नंबर्स का मतलब वो कैसा प्रोडक्ट होगा ये इनमें से किसी एक में आएगा मतलब अभी हमने देखा था ना यहाँ पे प्रोडक्ट होता है टू सिक्स ये जो हमने यहाँ पे लिखा है तो इनमें से एक डिजिट ही क्या बनेगा इनका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से भी अभी पता नहीं लगा सकते आगे चलते हैं नंबर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट फर्स्ट और डिजिट से जो टू डिजिट नंबर बन रहा है और जो सेवेंथ और एट्थ से बना है ये सेवेंथ और एट्थ जो है ना ये फर्स्ट और सेकेंड से कितना कम है छ कम है ठीक है मतलब फर्स्ट और सेकेंड इससे छह ज्यादा होंगे तो टू में ऐड कर दो कितना आ जाएगा जीरो एट ज़ीरो सिक्स में छः ऐड कर दो बारह बारह में छः ऐड कर दो अठारह अठारह बीस में छः ऐड कर दो छब्बीस छत्तीस कितना हो जाएगा फोर्टी एट यहाँ पे कितना हो जाएगा छः ऐड कर दोगे तो सिक्सटी टू यहाँ पर हो जाएगा सेवेंटी एट और यहाँ पर कितना हो जाएगा छः नाइन्टी सिक्स अब आपने अगर गौर फरमाया होगा तो उसने बोला था फर्स्ट डिजिट इवन नंबर आएगी और ज़ीरो नहीं हो सकती मतलब ये भी केस गैस कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट यहां से जितने केसेस कैंसिल हो सकते हैं आप कैंसिल कर दो तो अगर ये केस कैंसिल हो गए तो इसके सामने वाले केस भी कैंसिल हो जाएंगे समझ में आ रही है आपको ये केस भी हमारे पास क्या हो गए कैंसल आउट हो गए और उसने बोला था यहाँ पे इवन नंबर आएगा लेकिन जीरो इवन नंबर नहीं है तो ये केस भी कैंसिल आउट हो गया डन अब यहां पे देखो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड डिजिट आ गई है और सेवेंथ और एट डिजिट आ गई है क्या क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ऐसी कोई लाइन थी जो हमने छोड़ दी है और हमें करनी चाहिए थी यस yes. हमने ये वाला पॉइंट छोड़ा था फिफ्थ नंबर पॉइंट जिसमें उसने बोला था कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो सेवेंथ और एट से बनेगा मतलब यहाँ पे आपके पास फोर्टी है फोर्टी है सिक्सटी टू है और फिफ्टी सिक्स है यही बना है फर्स्ट सेकेंड सेवेंथ और एट से और जो फर्स्ट और सेकंड से बना है उनका जो सम रहेगा सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो seventh और uh, eight से बना है, first और second से से फर्स्ट बना मतलब जो इसका सम होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर टू कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था मतलब अगर हम लोग इसका क्या करेंगे एडिशन करेंगे तो इन नंबर्स में से एक नंबर बनना चाहिए इसका एडिशन करो कितना आएगा 90 इसका एडिशन करो कितना आएगा 118 ठीक है तो क्या ये टू नंबर्स नंबर टेन और इलेवन और 11 110 बनता है 11 और 12 132 बनता है 118 नहीं होता मतलब सिर्फ ये वाला पॉसिबल केस है 42 और 48 वाला जो हमारे रोल नंबर को बनाने में हमारी हेल्प करेगा बिकॉज टेन आर क्या होता है 90 और दोनों कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। समझ में आ गया दोनों डिजिट्स एक साथ आती हैं ये नाइन्टी हमने यहाँ पे भी लिखा था ना तो नाइन्टी यहाँ पे भी आ गया मतलब जो पूरा क्वेश्चन बनेगा उसकी फर्स्ट और सेकेंड डिजिट फोर्टी एट रहेगी और बाद वाली सेवेंथ और एट डिजिट क्या रहेगी फोर्टी टू रहेगी तो हम लोग अब इसी का ही केस बनाएंगे जिसमें हम लोग फोर्टी टू और फोर्टी एट से सारे डिजिट्स क्या करेंगे लिख देंगे ठीक है तो मैं को इसको इरेज ही करना पड़ रहा है बिकॉज नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी तो हमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी ना आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग इसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे हमारे पास आया क्या चीज़ आई थी 48 आई थी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट और सेकंड और ये आई थी 42 टू के आई थी सेवन्थ और एट्थ ठीक है और कोई ऐसा हमने जो छोड़ा हो यहाँ पे, ये हमने कर लिया ये भी हमने कर लिया और ये भी हो गया ये भी हो गया अब हमारे पास फर्स्ट बचा है फोर्थ बचा है और सेवेंथ बचा है ठीक है तो यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि डिजिट नंबर जो बनेगा थर्ड और फोर्थ से वो किसका स्क्वायर होगा फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का किसका स्क्वायर होगा फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का तो अगर मैं बोलूं थर्ड और फोर्थ डिजिट पे कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती हैं तो आप क्या बोलोगे ऐसी दो डिजिट्स जिसका स्क्वायर जो हो वो डबल डिजिट में आए टू का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा जीरो टू का जीरो फोर समझ लो मेरी बात जीरो टू का करोगे जीरो फोर टू डिजिट नहीं बनेगा टू डिजिट नंबर बोला है ना उसने टू डिजिट नंबर तो क्या जीरो फोर एक टू डिजिट नंबर है नहीं है फोर uh, उसके बाद थ्री का करो जीरो थ्री जीरो नाइन नहीं बनेगा समझ रहे हो यहाँ पे टू डिजिट नंबर स्पेसिफिकली बोला गया है तो दोनों ही डिजिट्स क्या होने चाहिए टू डिजिट मतलब टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया सिर्फ नंबर बोला है तो हम लोग कोई भी डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं जीरो भी ले सकते हैं वन भी ले सकते हैं टू भी ले सकते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से स्क्वायर चाहिए जो टू डिजिट स्क्वायर होगा अगर मैं बात करूँ टू की तो फोर आता नहीं होगा थ्री की तो नाइन आता नहीं होगा फोर की तो सिक्सटीन आता है ये हो सकता है इसने यहाँ पे टू डिजिट नंबर नहीं बोला था अगर बोला होता तो हम फोर नहीं ले सकते थे समझ लो और वैसे भी ये टू डिजिट नंबर बोल ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैं टेन बोलूंगी तो उसका हंड्रेड होता है इलेवन बोलूंगी तो उसका वन ट्वेंटी वन होता है हमारे पास यहाँ पे फिर डिजिट्स की स्पेस ही नहीं रहेगी समझ लो मेरी बात आप मैं आपको करके बताती हूँ अगर वो फिफ्थ और सिक्सथ डिजिट भी टू डिजिट नंबर बोल देता ना तो दस मैं यहाँ लिखती तो मैं सौ थर्ड और फोर्थ पे कैसे लिख देती ग्यारह लिखती तो एक सौ इक्कीस थर्ड और फोर्थ पे कैसे लिख देती नहीं लिख सकती थी ना मतलब जो सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर ही डबल डिजिट होगा है ना तो नाइन्थ तक ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखो तो ज़ीरो फाइव का कितना होता है ट्वेंटी फाइव ज़ीरो सिक्स का कितना होता है थर्टी सिक्स और जीरो सेवन का कितना होता है फोर्टी नाइन 08 का कितना होता है 64 09 का कितना होता है 81 ये डिजिट्स हमारी यही रहेंगे 48 और 42 बिकॉज़ ये हम लोग निकाल चुके हैं ठीक है ये इसकी पॉसिबिलिटीज बन गई तो मतलब हमारा ये भी यूज हो गया अब यहाँ उसने बोला था जो टू डिजिट नंबर बनेगा फोर्थ और सेवेंथ से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब फोर्थ डिजिट उठानी है सेवंथ डिजिट उठानी है ठीक है और देखना है कि जो हमारी दोनों ड्रिड्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए सिक्स और फोर सिक्सटी फोर एट का स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा केस यहां पे फाइव और फोर फिफ्टी फोर नहीं है मतलब ये केस सही है यहां पे सिक्स और फोर ये केस ये फोर ही रहेगा ना समझ रहे हो आप तो ये केस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास नाइनटी फोर नहीं होता फोर्टी फोर भी नहीं होता और फोर्टीन भी नहीं होता ठीक है तो हमारे पास यहाँ से दो केसेस कैंसिल आउट हो गए हैं उसको मैं कैंसिल कर देती हूँ बिकॉज 64 एट का स्क्वायर होता है बाकी को मैं एज इट इज लिख आई होप आपको अब समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा ठीक है लिख दिया आगे देखो लास्ट एक ही लाइन बची है हमारे पास इन द नंबर थ्री टू टाइम्स और टू डिजिट्स जो है सिर्फ एक ही बार यूज की गई है मतलब ऐसे तीन डिजिट्स हैं जो कितनी बार यूज हुई हैं दो बार यूज हुई हैं तीन डिजिट्स का मतलब जैसे वन दो बार यूज होगा टू दो बार यूज होगा थ्री थ्री बार थ्री दो बार यूज होगा फोर दो बार यूज होगा ऐसे तो यहाँ पे देखे तो एट भी दो बार यूज हो रहा है वन वन नहीं हो रहा फोर भी दो बार यूज हो रहा है और कोई दो बार यूज नहीं हो रहा मतलब सिर्फ एट और फोर ही ऐसी हैं दो डिजिट्स जो दो बार यूज हो रही हैं बट उसने बोला तीन डिजिट्स हैं तो ये वाला केस भी हमारा कैंसिल आउट हो गया आगे देख लो फोर हमारा दो बार यूज हो रहा है नहीं तीन बार यूज हो रहा है तो ये केस भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे देख लो फोर हमारा तीन बार यूज हो रहा है ये भी केस कैंसिल आउट हो गया हमारा फोर हमारा दो बार यूज हो रहा है फाइव हमारा दो बार यूज हो रहा है दो हमारा दो बार यूज हो रहा है मतलब फोर फाइव और टू तीन डिजिट्स ऐसी बन गई जो दो बार यूज हो रही हैं और एट और जीरो दो डिजिट्स ऐसी बन गई जो एक बार यूज हो रही है यही उसने बोला था दैट मीन्स हमारा रोल नंबर क्या निकल के आया है फोर एट टू फाइव जीरो फाइव फोर टू और उसने बोला था जीरो सिर्फ एक ही बार यूज होगा तो जीरो हमारे पास एक ही बार यूज हो रहा है दैट मीन्स ये केस हमारा सही बन गया आई होप आपको ये पजल अच्छी लगी होगी अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज इसको एक बार और सुन लेना वीडियो को फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं उसने बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मिस्टर डैन ब्राउन्स रोल नंबर सारी डिजिट्स का सम कितना है फोर और एट ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टीन फोर्टीन फाइव नाइनटीन नाइनटीन फाइव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फोर ट्वेंटी एट और टू थर्टी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट इज दिक्स डिजिट ऑफ द रोल नंबर कौन सी आपके पास यहाँ पे फाइव है ऑप्शन नंबर डी हाउ मे डिजिटर इन दंबर्ड पोजिशन इवन नंबर्ड पोजिशन कौन कौन सी है यहाँ पे सॉरी टू फोर सिक्स एट मतलब सेकेंड डिजिट फोर्थ डिजिट सिक्स डिजिट और एट्थ डिजिट इन डिजिट्स पे कितने ऑड डिजिट आ रहे इन डिजिट नहीं इन प्लेसेस पे कितनी ऑड डिजिट आ रही हैं मतलब सेकंड फोर्थ सिक्स और एट पे कितनी ऑड डिजिट आई देख लेते हैं सेकंड पे तो इवन है फोर्थ पे ऑड है मतलब एक आ गई सिक्स्थ पे क्या है ऑड है फाइव ही आ रहा तो देखते हैं इसको काउंट करना है या नहीं करना एथ पे क्या आ रहा सेकंड मतलब नहीं ऑड डिजिट कितनी आई एक आई व्हिच इज 5 हाउ मेनी इवन डिजिट आर देयर ऑन द नंबर पोजिशंस मतलब फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस फिफ्थ प्लेस सेवन प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए देख लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे इवन नंबर है फोर थर्ड प्लेस पे है टू और सिक्स uh, प्लेस पे फाइव फिफ्थ प्लेस पे जीरो नहीं जीरो को इवन नहीं मानना और सेवन्थ प्लेस पे है फोर फोर को हम एक ही बार काउंट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कितनी डिजिट्स आनी चाहिए फाइव एक आई है फोर और टू दो एक आई है तो ऐसा कोई ऑप्शन है वन वन से नहीं है अगर मैं देखूं कि पांच यहाँ पे दो बार आया फोर टू फोर आया तो कितनी डिजिट्स हमारे पास हो गई यहाँ पे दो पहले आई तीन बाद में आई ऐसा कोई ऑप्शन है दो हमारे पास पहले आई तीन हमारे पास बाद में आई तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज इन्होंने क्या किया है पांच को दो बार काउंट किया है और यहाँ पे फोर टू फोर इनको अलग अलग तीन डिजिट्स लिया है ठीक है इसको सिंगल डिजिट नहीं काउंट किया वट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विच आर एट प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन कौन सी हो गई प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं यहां पे? टू थ्री फाइव और सेवन तो उसने बोला है इन पोजिशन पे जितनी भी डिजिट आई है उनका प्रोडक्ट क्या है सेकेंड पे कौन सी आई है एट आई है थर्ड एक मिनट थर्ड पे कौन सी आई है सॉरी फॉर दिस थर्ड पे कौन सी आई है टू आई है फिफ्थ पे ज़ीरो सेवेंथ पे फोर इसका प्रोडक्ट कितना है एट फोर जार थर्टी टू टू जार सिक्सटी फोर उसने हमसे प्रोडक्ट ही पूछा है ना अच्छा ज़ीरो आ गया ना तो जीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर तो यहाँ पे हमारी ये पज़ल कंप्लीट हो चुकी है काफ़ी अच्छी लेवल की पजल थी काफ़ी ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाली पजल थी और आ, इसी तरीके के डेफिनेटली मैं और आपके लिए सेशंस लेके आती रहूंगी ताकि ऐसा कोई भी टॉपिक ना छूटे जो आपके एग्जामिनेशन में आए और हमने किया ना हो ठीक है सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी